हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमसेन एंड माइंड चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर बोएबो चैनल पर स्वागत है मेरे। दोस्तों, आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको आपसे वादा कर रखा है कि उत्तराखंड के जो नए क्वेश्चंस हैं, जो कि अदरवाइज बुक्स में नहीं मिल पा रहे हैं, उनको एक 5,000 का एक सेट तैयार करवाना है, जो कि वन विभाग या जितने भी ग्रुप सी का एग्जाम हो या PCS लेवल की जितने भी टीफली क्वेश्चन है, सभी आपको उन 5,000 जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें सभी को आपको देखने मिलेंगे। कम से कम 80 से 90% ये रहेगा कि क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों रेड बटन है, यहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो साथ के साथ ये जो बेल आइकन होता है इसे भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बताऊँ, नोटिफिकेशन समय के साथ मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको बताऊँगा, टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिली तो बाद में आप बहुत पछताएंगे, कहेंगे कि काश उस समय अगर हम ध्यान रख लेते तो आज हम भी दूसरों के साथ होते। ठीक है दोस्तों, आपको बताऊं, दोस्तों पार्ट 4 में अपलोड कर चुका हूँ, पांचवा पार्ट है जो उस वीडियो का, वो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपने पार्ट पहले ना देखे हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएंगे, सभी पार्ट देख ले। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन और करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जितनी ज्यादा मेहनत की जा रही है उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। काफी ज्यादा दुख होता है जब अच्छी तरीके से लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही, मतलब थोड़ा लाइक्स कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब थोड़ा सा चैनल कम हो रहे हैं। चलो, कोई सब्सक्राइब तो यह आपकी इच्छा है कि अगर आपको बेनिफिट लग रहा है कि हाँ हमें बेनिफिट है तो सब्सक्राइब करो। बट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें। और एक कम से कम जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो सभी में लिंक को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि पार्ट पांचवा है, और आपको बताऊं दोस्तों, ये जो पांच पार्ट हुआ ये आपको आल जितने भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम हैं सभी में, और UKPCS और ग्रुप सी वीडियो का, और दोस्तों आने वाली आबकारी जो पुलिस है उसमें भी, और प्रावर्तन जो सिपाही है उसमें भी, और UK पुलिस स्पेशली। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मेन जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि दोस्तों आपको बताऊं, 1200 पद बहुत बैठते हैं किसी भी जॉब के लिए। उत्तराखंड में पहली बार ग्रुप सी ने जो पहली बार दिए हैं 1200 पद। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे चांस है। और आप मुझसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा बस पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, सभागार की जो रचना सुदर्शन शाह ने किस टाइम की, मतलब कौन सा सन था। ठीक है दोस्तों, तो 1828 ईस्वी में सुदर्शन शाह के टाइम सभागार की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, इसमें सुदर्शन शाह के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां मिलती है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक। दोस्तों, ये कई बार आ चुकी है कि एंशियंट एंड मॉडर्न। दोस्तों, आप याद करेंगे जो मॉडर्न था ना, जो मॉडर्न था, जो पातिराम से था, वो एक मॉडर्न था। ठीक है, उसने ये किताब लिखी है, पातिराम जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, परमार वंश का जो संस्थापक था कनक पाल। ठीक है दोस्तों, जिसने 888 में यहाँ पर स्थापना की परमार वंश की, उसका जो उत्तराधिकारी था, यानी कि उसका जो सबसे बड़ा पुत्र पुत्र कह लेंगे या उत्तराधिकारी कह लेंगे दोस्तों, वो था सोनपाल। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भगवान गणेश की जो नृत्य करती मूर्तियां उत्तराखंड में किस जगह से पाई गई है। दोस्तों, आपको बता दो दोस्तों, उत्तराखंड की जो नृत्य करती मूर्तियां पाई गई है, जोशीमठ चमोली के पास पाई गई है। ठीक है दोस्तों, कुछ टाइम पहले खुदान मतलब खनन कार्य चल रहा था रोड के लिए, तो वहां पर एक मूर्ति पाई गई है। ठीक है, मूर्ति की थोड़ा 1400 या 1500 ईस्वी के आसपास की जो मूर्ति का टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेंगे, गढ़वाल दिव्यांग विभूतियां किसने दे, भगत दर्शन। दोस्तों, जो भगत का जो दर्शन है, जो यानी कि एक भक्त होता है गरीब, वो विभूतियां, इस तरीके से आप इसे करके याद कर लेंगे, तो दिव्यांग विभूतियां कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने पुस्तक लिखी, तो भगत दर्शन ने लिखी। ठीक है, कोई भक्त का गरीब गरीब भगत दर्शन था, उसने भगवान की दिव्य यानी दिवंगत, एक दिवंगत जैसे भगवान तक दिव्य ही होता है ना, दिवंगत टाइप उसकी भक्त के दर्शन कर लिए। ठीक है, भक्त ने, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। किस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ आदिनाथ से कहकर संबोधित किया गया है, तो सवारी सवारी ग्रंथ में अजय पाल को आदिग्रंथ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, जो अजय पाल था ये सपोज कर लो कि घोड़े की सवारी करता था, इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। द अली ट्रेवल्स इन इंडिया, जो फॉरेस्टर था, फॉरेस्टर आई मीन सपोज कर लो कि कोई गाइडर था, एक जंगल का गाइड करने वाला, उसने ट्रेवल्स द अली ट्रेवल्स नामक पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी क्वेश्चन को रटो मत, रटोगे तो आप 5-7 दिन याद रखोगे, इससे ज्यादा आप याद नहीं रख पाओगे। और आपको बताऊं दोस्तों, उत्तराखंड में एक छोटे से एग्जाम को लेकर भी बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, रटो मत, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। किस परमार शासक ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया, सिरमौर का डाकुओं। दोस्तों, जो फतेह शाह था, फतेह शाह ने क्या किया कि सिरमौर के जो डाकुए थे वे इसके राज्य में
काफी ज्यादा जनता को परेशान कर रहे थे, तो इसने फिर एक समिति, एक स्पेशली जो सेना सेनापति को आदेश दिया और खुद सेनापति के साथ जाकर उसका डाकुओं का दमन किया। ठीक है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम दोस्तों सौम्यकाशी बड़ाहाट, आप सभी की याद ही होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन ये वाला कई बार आ गया है तो आप इसे एक बार देख लेंगे। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा दोस्तों कितने दिनों में पूरी की जाती है, 40 दिनों में इसकी यात्रा पूरी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, कुमाऊं की जो न्याय की देवी की जो रूप में जो पूजा की जाती है वो कौन है, कुमाऊं की न्याय की देवी, जो न्याय की देवी थी तो जिया रानी थी। ठीक है, जिया रानी, आप इसे इस तरह याद कर लेंगे। उत्तराखंड का सबसे पुराना स्नातक विश्वविद्यालय दोस्तों DAV PG कॉलेज देहरादून। ठीक है, आपको बताना है कि इसका इसकी स्थापना किसने की और कब की। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि जो ये आपका ये कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की और कब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहला है, इसको आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, अगर बात करें गढ़वाल के दानवीन कर्ण, सभी को पता है घनानंद खंडूरी, घनानंद, आपको बताऊं दोस्तों घनानंद, इसके पास बहुत सारा पैसा था, घना घना पैसा था उसके पास, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, कत्यूरी वंश का जो स्वर्ण काल किस राजा के काल को कहा गया, कत्यूरी राजा में जो विभल वीर वीर थमल देवता, वीर था और थमल देवता यानी कि वीर भी था और एक मतलब कि अच्छी बागड़ों को थामने वाला था, उसके टाइम में कत्यूरी शासक वीरम थमल को के काल को आपका स्वर्ण काल कहा गया, किसका, कत्यूरी वंश का। ठीक है, कत्यूरी राजा था ये इसके काल में, क्योंकि आपको बताऊं दोस्तों ये एक तो दोस्तों इसके टाइम में जो वीर वीर टाइप का था, दूसरी बात क्या था कि ये कहना जनता के प्रति काफी काफी ज्यादा लगाव रखता था, जनता को अपना मानता था, ऐसा नहीं आया था कि मदिरा पालन करके और क्या नाम वही भोग विलास वाला जीवन जीवा, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने काफी जनता के लिए हित में बहुत ज्यादा कार्य किए, इसलिए ही कत्यूर शासक के वीर वीर थामल देव के टाइम को स्वर्ण काल कहा गया। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, गढ़वाल क्यून के नाम से मतलब गढ़वाल क्यून किस पर्वत को कहा जाता है उत्तराखंड में, तो नीलकंठ पर्वत है, नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्यून कहा गया है। दोस्तों आपको बताना है कि नीलकंठ पर्वत है ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको बताऊंगा अगर आप इस टाइप के जो मैं क्यूज डालता हूँ अगर आप इसके आंसर दे रहे तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे टच में है, आपके चांस बहुत ज्यादा बन रहे हैं नेक्स्ट निकालने में दोस्तों। और बात एक नया एक क्वेश्चन है, जनरल डायर की जो गोली चलाई थी किसने चलाई थी, कब उसे मार दिया गया था। दोस्तों आपको बताऊँ 13 जनवरी 1919 में यहाँ पर कांड हुआ जलियांवाला बाग में, दोस्तों जनरल डायर ने जो गोली चलाने के आदेश दिए थे जिसमें 389 जो रिपोर्ट थी उस समय की कहा गया था कि 389 मरे, बट 1000-2000 के आसपास उसमें आदमी मरे गए थे। उसमें क्या हुआ, हुआ क्या था, जब इन्होंने अब विद्रोह किया गांधी जी ने और क्या नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधियां दी, तो अंग्रेजी सरकार ने इन्हें क्या नाम वहां पर वहां से सस्पेंड कर दिया और वहां बुला लिया ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में दोस्तों इन्हें ब्रिटेन का शेर बताया गया। ठीक है, और इन्हें क्या नाम इनका जो मुकदमा था उसे लीपापोती करके इन्हें बस यहाँ से सस्पेंड किया गया, इन्हें कोई सजा नहीं दी गई। उस समय दोस्तों जो उद्यम सिंह थे, उद्यम सिंह ने क्या नाम 13 मार्च 1940 में जब लंदन में इनकी पोस्टिंग की गई तो लंदन में जाकर इन्हें सामने से गोली मार दी थी। ठीक है, जब ये दोस्तों गोली लेके जा रहे थे तो इन्होंने पता क्या गया, इनके पास एक किताब थी, किताब के बीच में इन्होंने कटिंग करके बंदूक रख रखी थी, तो जब ये उनसे मिलने के लिए गए तो इन्होंने किताब खोल के सामने से गोली मारी थी। ठीक है, तो ये ऐसी एक स्टोरी है, आप क्वेश्चन यहाँ से मिल भी सकता है तो आप स्टोरी को याद रखें। ठीक है दोस्तों, पथिक पत्रिका के संस्थापक जयनंद भारती, पथिक पत्रिका, आपको बताया दोस्तों जयनंद भारती को काफी ज्यादा यहाँ पर उत्तराखंड में काफी ज्यादा कार्य किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने किताब लिखी है पथिक पत्रिका, यानी कि मतलब कि रास्ता मतलब चलते रास्ते का, इन्होंने उसमें काव्यांश मतलब चलते रास्ता जैसे रास्ता चल रहा है कहीं कहीं ये घूमने घामने गई होगी उसका इन्होंने वर्णन किया हुआ है। कप्फू चौहान किस किस शासक ने पराजित किया, कप्फू चौहान था दोस्तों अजय पाल ने पराजित किया 1510-12 के आसपास। ठीक है, कंफर्म नहीं है बट 1510-12 के आसपास इन्होंने कप्फू चौहान को अजय पाल ने पराजित किया। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड किस उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी पौड़ी गढ़वाल है और बनबासा का नाम प्रचलित है। दोस्तों आप बताएंगे बनबासा का नाम प्रचलित है, इसका जो प्राचीन नाम दोस्तों आपको बताऊं एक प्रचलित नाम है और एक मतलब प्राचीन नाम भी है ये भुक्साड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों ये भी कुछ टाइम पहले आया था, जो बनवासा है आपको बताना है कि बनवासा कहाँ पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, बनवासा कहाँ पड़ता है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपका भुक्साड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे,
तो दोस्तों आपको एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नई नई वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि टाइम में भी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, बट ये कि मैं सोचता हूँ कि सभी की हेल्प हो, ठीक है दोस्तों? जो दोस्तों रमन जो लोक नृत्य था जिसे कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2009 को, वो किस उसमें कितने ताल है, ठीक है दोस्तों? जो रमन है जो लोक नाट्य किया गया था संस्कृति धरोहर से 2009 को शामिल किया गया था, उसमें कितने ताल होते हैं? उसमें दोस्तों ताल ही बताऊँ तो दोस्तों उसमें 18 ताल होते हैं, ठीक है? और इसे 2009 काफी ज्यादा दोस्तों, ये भी कुछ टाइम पहले ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था कि कब उसे मतलब कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया दोस्तों, 2009 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ठीक है? 18 ताल होते हैं इसमें, ताल आई मीन धमक टाइप, ठीक है? उत्तराखंड के किस मंदिर में देवी की मूर्ति के स्थान पर लिंग की पूजा होती है? दोस्तों भुवनेश्वरी में मंदिर है, भुवनेश्वरी मंदिर है जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, उसमें दोस्तों मूर्ति की जगह एक लिंग की पूजा होती है, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे दूसरी जो फूलों की घाटी है दोस्तों, उसे मतलब किसे कहा जाता है? दूसरे फूलों की घाटी है दोस्तों चेनाब घाटी जो चमोली में पड़ती है, उसे दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है। भी लास्ट में दोस्तों एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था, अगर किसी ने दिया हो तो वो याद कर ले, ठीक है? मणका बुग्याल स्थित है दोस्तों, मणका रुद्रप्रयाग, मणका शिव देख लो दोस्तों, वहां पर शिव के उसकी पूजा होती है। आपको बताने चलो यहाँ पर शिव के किस चीज की पूजा होती है, ठीक है? रुद्रप्रयाग में शिव के किस किस अंग की पूजा होती है, ठीक है? ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पर मणका बुग्याल स्थित है, ठीक है? मणका शिव का मणका, आपने एक फिल्म देखी होगी कुछ टाइम पहले आमिर खान की, नाम उसका है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें मणका था एक शिव का, तो हम वहां से आप इस तरीके से याद कर लेंगे। मंदेश्वर मंदिर के पास जो मुगल सेनापति जिसने कर्णावती के साथ युद्ध किया था, मतलब पराजित किया था, तो फिर उसने दिल्ली में जाके आत्महत्या की थी, नवाजिद खान था दोस्तों जिन्होंने जिसने क्या नाम आपको बताऊं हुआ क्या था, जब इनके पुत्र को यहाँ पर शरण दी गई थी तो कर्णावती ने शरण दी, तो उन्होंने क्या किया कि नवाजिद खान जो सेनापति था उसे भेज दिया कि जाओ और कर्णावती को पराजित करो, ठीक है? क्योंकि उसने हमारे भगोड़े पुत्र को शरण क्यों दी, ठीक है दोस्तों? जब यहाँ आया तो कर्णावती ने क्या किया, उनके जितने भी सेनापति या जितने भी प्यादे टाइप थे सभी के नाक कटवा दिए थे, ठीक है दोस्तों? तो इस मतलब इस लज्जा से बचने के लिए तो नवाजत खान ने दिल्ली में जाकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो वे मुझे भी मार देंगे, ठीक है? उत्तराखंड में सर्वप्रथम जो रेशम का व्यापार किसने किया? इंद्रचंद ने, इंद्र भगवान हो जाएगा और उधर आपका रेशम हो जाएगा, रेशम का व्यापार इंद्रचंद ने किया, ठीक है दोस्तों? उत्तराखंड में जो बूढ़ी बूढ़ी दीपावली कब मनाई जाती है? दोस्तों आपको बताऊं उत्तराखंड में माधव सिंह भंडारी की विजय के उपलक्ष्य में, माधव सिंह भंडारी की विजय के उपलक्ष्य में दिवाली के 30 दिन बाद माधव सिंह भंडारी के उपरांत में बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, देवभूमि खेल रत्न, तो दोस्तों आपको बताऊं जो यहाँ पर खेल रत्न का जो नाम बदल कर रखा गया है उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न, ठीक है दोस्तों? भरणहत्थी और वह गोपीचंद किस समुदाय के अनुयायी थे? दोस्तों गोपीचंद गोपीनाथ संप्रदाय और तृतीय महत्वपूर्ण अनुयायी थे उसके अजयपाल, ठीक है दोस्तों? आपको बता दूं एक बार कि क्या था पूरा मामला, दोस्तों भरतहरि और गोपीचंद क्या नाम गोपीनाथ संप्रदाय के थे दोस्तों, इसका एक एक और अनुयायी था अजयपाल। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजयपाल किस किस संप्रदाय का अनुयायी था, दोस्तों आपको बताएंगे कि गोपीनाथ संप्रदाय का अनुयायी था और तीसरा महत्वपूर्ण था, ठीक है दोस्तों? पहला महत्वपूर्ण कौन था? भरतहरि, नहीं सेकंड भरतहरि और पहला गोपीनाथ गोपीचंद और तीसरा था दोस्तों अजयपाल, ठीक है? तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपको बताया कि अजयपाल से लगे हुए क्वेश्चन काफी ज्यादा तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कि क्या नाम अंग्रेजों को निकाल दो भारत से, मतलब हिंदुस्तान से, किसने लिखी? भैरव दत्त धूलिया जी थे, इन्होंने लिखी है, भैरव दत्त दत्त धूलिया, धूल चटा दी थी भारतवासियों ने अंग्रेजों को, इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपसे कहने को, अगर आपको दोस्तों वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोस्तों कम से कम एक या दो के पास या अपने जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो सभी में वीडियो को शेयर करें, और आपको बता दूं दोस्तों बस पढ़ते रहें क्योंकि दोस्तों मौके बहुत कम आते हैं, और दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड जो मौका है गोल्डन चांस है, इसमें आप अपना 100% दीजिए। फिजिकल की तैयारी आप हल्की रखें, ज्यादा ना रखें,
और बस ये है कि आप जो रिटर्न एग्जाम है इसमें आप अपना 100% दें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।